हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योर फिटनेस कोच। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन टी की। ग्रीन टी काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है रिलेटेड टू वेट लॉस। आज भी लोग उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं कि यार ग्रीन टी इज़ गुड फॉर फैट लॉस। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये एक मैजिक ड्रिंक है, जैसा कि विचेस बनाया करती थी ड्रिंक सुपर पावर के लिए या फिर ऐसा कुछ। वैसा सेम लोग सोचते हैं कि ये एक सुपर पावर ड्रिंक है, जो आप पी लोगे तो तुरंत फैट लॉस हो जाएगा आपका। पर आज हम जानेंगे कि रियलिटी में ग्रीन टी हेल्प करती है फैट लॉस में कि नहीं। दिस वीडियो विल स्टार्ट विथ हाउ ग्रीन टी इज मेड, फिर मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन टी। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द रियल बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन टी फॉर फैट लॉस। क्या ये सही में फैट लॉस में हेल्प करती है, क्या ये सिर्फ एक अफवाह है जो लोगों ने उड़ाई है। सिमिलरली जैसे गुड़ और शक्कर के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कल वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो आई बटन पे वो रहेगी। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ फिटनेस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इन फ्यूचर टू। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी फिटनेस एंड लाइफस्टाइल मेंटेन करने में। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक, ग्रीन टी। ग्रीन टी सिमिलर टी की तरह ही सिमिलर होती है, बट उनकी प्रोसेसिंग जो नॉर्मल टी जो हम पीते हैं उससे थोड़ी डिफरेंट होती है। इसको भी सिमिलरली स्टीम किया जाता है या पैन फ्राई किया जाता है। मेनली इसको ड्राई बनाया जाता है, जितना ड्राई हो सके। फिर उसके बाद इसको रोल किया जाता है। रोलिंग के बाद इट इज़ कन्वर्टेड इनटू दोज स्मॉल ड्राई काइंड ऑफ पीसेस, जो आपको यूजुअली ग्रीन टी, अगर आप लिप्टन की पीते होंगे तो उसके सैशे में आपने देखा ही होगा, वो ड्राई लीव्स टाइप होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े उसके, या फिर दे आर इन द फॉर्म ऑफ टी। दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। बेसिकली उसे ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता जैसे नॉर्मल टी को ऑक्सीडाइज किया जाता है। इसीलिए जो ग्रीन टी के अंदर हैं वो एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल टी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप नॉर्मल टी से आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते, नॉर्मल टी से भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। बट बिकॉज ग्रीन टी लुक्स लाइक कि मतलब नाम ऐसा लगता है कि हाँ यार कुछ एलीट नाम है, कुछ डिफरेंट है। और आपको भी पता है जब भी हमें कुछ चीज़ डिफरेंट लगती है तो हम उसे ज़्यादा अच्छा मानते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरी चीज़ें। सो दैट इज़ वाई ग्रीन टी इज़ मोर पॉपुलर देन नॉर्मल टी। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन टी। पहला बेनिफिट ग्रीन टी का ये होता है कि इसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं। आपकी बॉडी में रोज़ बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं, ये एंटी ऑक्सीडेंट्स उन फ्री रेडिकल्स को हटाने में हमको हेल्प करते हैं। एंड अ लॉट ऑफ पीपल फेस इंटरनल प्रॉब्लम्स, इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी चीज़ें, इन्हीं फ्री रेडिकल्स के कारण कैंसर भी होता है। एंड आपने सुना होगा अक्सर ग्रीन टी जो है वो कैंसर क्योर नहीं करती। एक्चुअली जो लोग ग्रीन टी ज़्यादा पीते हैं वो देखा गया है कि ग्रीन टी जो लोग ज़्यादा पीते हैं उन्हें कैंसर कम होता है, ऐसा रिसर्च से पता चला है। बट द मेन थिंग इज़ कि सिर्फ ग्रीन टी के कारण उन्हें कैंसर नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडेड इन देयर रूटीन जिनके कारण दे आर इन टू अ बेटर शेप, पहला। सेकेंड बेनिफिट ये है कि इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं एंड जो और चीज़ें होती हैं उसके कारण अगर आपको बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है तो वो नहीं होगी। अगर आप ग्रीन टी पीते हो तो आपके मुंह में जो बैक्टीरिया हैं जिसके कारण स्मेल आती है वो बैक्टीरिया मर जाते हैं और आपको वो स्मेल नहीं आती। सो ग्रीन टी इज़ गुड फॉर दोज पीपल जिनके मुंह में स्मेल ज़्यादा है या फिर जो लोग ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं उनके लिए ग्रीन टी इज़ वेरी गुड। थर्ड प्रॉब्लम जो लोग अक्सर फेस करते हैं इस, बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है एंड देखा गया है कि ग्रीन टी हैज़ बेनिफिट्स विद द ब्लड प्रेशर टू। वो ब्लड प्रेशर डिक्रीज करने में भी हेल्प करती है। जिनका हाई ब्लड प्रेशर है दे कैन टेक दीज ग्रीन टीज और वो उनको काफ़ी हेल्प करेगी। फोर्थ इज इसके अंदर कैफीन होता है, 30-50 mg कैफीन होता है जो आपको हेल्प करेगा। अगर आप कैफीन एडिक्टेड हैं और आपको कैफीन बहुत पसंद है, उसमें कैफीन आप जानते हो, अगर आप एक कैफीन का सेशे भी लेते हो उसमें कैफीन का अमाउंट ज़्यादा होता है कॉफ़ी में, बट आप ग्रीन टी ले सकते हो, इट हैज़ मिनिमम अमाउंट ऑफ कैफीन 30-50 mg, दैट इज़ वेरी गुड, जो आपको अगर आपके वर्क में कॉन्सेंट्रेशन करने में हेल्प करेगा एंड इट विल मेक यू फील मोर एक्टिव, जैसा कि कॉफ़ी भी करती है, बट इट हैज़ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैफीन इन इट। ओके,
नाउ लेट्स कम टू अवर मेन टॉपिक जिसके बारे में मैं वीडियो बनाई है. मैंने एक्चुअली ये वीडियो बनाई थी आफ्टर अ पोल जो मैंने किया था यूट्यूब पे, जिसमें मैंने पूछा था कि व्हाट वीडियो शुड आई मेक. शुड आई मेक ग्रीन टी फॉर फैट लॉस और दूसरी शुड आई मेक ब्रिक सीरीज डे 4. यार ब्रिक सीरीज डे 4 से क्या प्रॉब्लम है. अगर आपने मेरी ब्रिक सीरीज अभी तक स्टार्टिंग से नहीं देखी तो आई बटन पे जाके आप देख सकते हो. मैं ब्रिक्स के साथ एक वर्कआउट सीरीज बना रहा हूँ जो आपकी ज़रूर हेल्प करेगी अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है तो. सो आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे वापस. फैट लॉस. फैट लॉस में ग्रीन टी कैसे हेल्प करती है. रिसर्चेज हैव शोन दैट ग्रीन टी जो है इट हेल्प इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, बट जितना वीडियोस में दिखाते हैं उतना नहीं कि यार मेटाबॉलिज्म बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म 5-6 गुना कर दिया मेटाबॉलिज्म, ऐसा कुछ नहीं होता. दिस इज़ जस्ट टू ओवर एग्जेजरेट द टॉपिक या ताकि आप वो वीडियो देखें, बिकॉज आप लोग अट्रैक्टेड हैं ऐसी वीडियोस पे जो आपको बता देती हैं कि आप 6 किलो लूज़ कर सकते हो एक हफ्ते में. तो ये तो आपका काम ही है कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें. सो मेनली ग्रीन टी आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में हेल्प करती है. इट ऑल्सो हैज़ कैफीन जिसके कारण आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म थोड़ा फास्ट होता है. बट ग्रीन टी अलोन विल नॉट मेक यू लूज फैट. ठीक है, अगर आपको ग्रीन टी के थ्रू विजिबल चेंजेस देखने हैं तो आपको अराउंड 10 कप्स ऑफ ग्रीन टी पीनी पड़ेगी दिन में, तब जाके आप कुछ विजिबल चेंजेस देखेंगे वीकली. पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 कप भी पीने के बाद भी पेस्ट्री डेजर्ट वगैरह जो मन कर रहा है वो खा रहे हैं. नो, विद अ हेल्दी डाइट आप ज़्यादा अफेक्टिवली वेट लॉस करेंगे. अगर आपको सिर्फ ग्रीन टी के साथ वेट लॉस करना है तो 10 कप्स अ डे विथ मेंटेनेंस कैलोरीज वो भी आपकी हेल्प कर सकती है. बट अपना दिमाग सही करें प्लीज़. मैजिक पिल, मैजिक पोशन या ऐसी चीज़ों को मत ढूंढें. वेट लॉस में ग्रीन टी येस इट कैन हेल्प यू अ बिट, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस ला देगी. विदाउट अ प्रॉपर कैलोरिक डेफिसिट आप फैट लॉस नहीं करोगे. ग्रीन टी कैन हेल्प यू अ बिट, इट कैन मेक यू इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म. जो बेनिफिट्स बताएं वो भी उसके अंदर हैं, लेकिन यार वो रामबाण इलाज नहीं है वेट लॉस का. कैलोरिक डेफिसिट इज़ द की, जो कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, हमेशा बोलता रहूँगा. शायद आप मेरी बात एक दिन तो सुनोगे. ओके, अगर आपने मेरी कैलोरिक डेफिसिट वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके आई बटन पर क्लिक कर लेना. एट द एंड ऑफ द वीडियो भी मैं अपनी पूरी प्लेलिस्ट शेयर करूँगा वेट लॉस से रिलेटेड, वो भी आप देख सकते हो. सो एट द एंड मैं समराइज करना चाहूँगा इस वीडियो को, दैट ग्रीन टी इज़ अफेक्टिव. बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, थोड़ा बहुत इट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म, और इट इज़ अ हेल्दी ऑल्टरनेटिव जो आप यूज़ कर सकते हो. अगर कॉफ़ी की जगह ग्रीन टी यूज़ करो इट विल बी अ बेटर ऑप्शन. बट अकॉर्डिंग टू मी डोंट फाइंड शॉर्टकट्स. आपकी आदत हो गई है शॉर्टकट्स फाइंड करने की, शॉर्टकट फाइंड मत करो. ग्रीन टी पियो, इट विल गिव यू लॉट ऑफ बेनिफिट्स, बट गो फॉर अ कैलोरिक डेफिसिट, दैट इज़ द की. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ग्रीन टी के बारे में. इतना एक्सप्लेन शायद किसी वीडियो में प्रॉपरली नहीं किया गया हो हर चीज़ को. अगर किया भी गया हो तो आई थिंक ये ज़्यादा ईजी एक्सप्लेनेशन था, आपको समझ में आ गया होगा. अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें, दैट विल मीन अ लॉट टू मी. और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप नए व्यूअर हैं, यार कर लो यार, क्या प्रॉब्लम है. ओके, बाय बाय, टेक केयर.